एटीएम लूटने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लो, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि एटीएम में पैसा कितना होता है। दरअसल जो एटीएम मशीन शहर में लगी होती है उसमें 10 लाख से 20 लाख रुपए तक कैश पड़ा होता है, इसलिए यहाँ खतरा ज्यादा होता है। लेकिन गांव के एटीएम मशीन में लगभग 5 लाख तक कैश होता है, तो इसलिए यहाँ पर खतरा कम होता है, ऐसा भूल कर भी मत सोचना। क्योंकि एटीएम में सिक्योरिटी हो या नहीं, एटीएम खुद अपने आप में सिक्योर है, इसलिए एटीएम को लूट पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन इम्पॉसिबल भी बोलता है आई एम पॉसिबल, इसीलिए जेसीबी से या फिर किसी भी प्रकार से चोर एटीएम को चोरी कर ले जाते हैं। लेकिन जब वो एटीएम को तोड़ते हैं तो उसमें से जो रुपए निकलते हैं वो पूरे ही लाल पीले होते हैं, क्योंकि एटीएम में लगा होता है कलर ब्लास्टर, जिसके चलते अगर एटीएम पर कोई भी खतरा आता है तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जितने भी नोट एटीएम में होते हैं वो सब लाल पीले हो जाते हैं। इसलिए एटीएम को लूटने का कभी मत सोचना। और हाँ, मैं तो सिर्फ एसी की हवा खाने के लिए एटीएम में जाता हूँ।